प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 15 है। इनके किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के एन वे पद बराबर हैं? कौन से पद एन वे पद बराबर हैं? देखो तो सबसे पहले लिखेंगे मान। पहली समांतर श्रेणी क्या है? 63, 65, 67। हमें कौन सा पद पूछा है? एन वे पद बराबर बताना है। कौन से पद? एन वे पद। तो इसमें ए बराबर कितना रहेगा? 63। ए बराबर कितना है? 63। और इसमें डी बराबर कितना रहेगा? 65 में से 63 घटाएंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, कितना बचेगा? 2। ए बराबर 63 और डी बराबर कितना है? 2 है। दूसरी समांतर श्रेणी लिखेंगे हम। दूसरी समांतर श्रेणी क्या है? 3, 10, 17। ठीक। अब देखो क्या है, ए बराबर क्या है इसमें? इसमें कैपिटल ए ले लेते हैं। ए बराबर कितना है? 3। इसमें कैपिटल डी ले लेते हैं। डी बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 10 माइनस 3 बराबर कितना है? 7। ए और डी का मान पता, मान निकला सिर्फ हमने किसका, ए और डी का। अब प्रश्न अनुसार कौन से बोल रहे हैं कि एन वे पद बराबर हो? कौन सा पद? एन वे पद बराबर हो एन के किस मान के लिए? तो हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार, देखो इसका एन वा पद बराबर इसका भी एन वा पद। ठीक। इसका एन वा पद क्या रहेगा? एन। और इसका एन वा पद क्या रहेगा? एन। ये दोनों क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। अब समांतर श्रेणी के एन पद वाला सूत्र हम लगाएंगे। क्या होता है सूत्र? एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सॉरी ये गलत लिखा है ना, बराबर क्या आएगा यहाँ पे? कैपिटल लिख देंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये दोनों क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। अब मान रखेंगे ए बराबर कितना है? 63, यहाँ 63 लिख दिया, प्लस एन कितना है? एन तो हमें निकालना ही है, तो एन माइनस वन, और डी कितना है इसका? 2 बराबर। यहाँ ए कितना है? 3 प्लस एन हमें निकालना है, एन माइनस वन, और डी कितना है? 7 मान रख दिया। अब इसे हल कर लेंगे। देखो यहाँ पे तो ये 63 ऐसा कैसे लिखा जाएगा? प्लस 2 का अंदर गुणा करेंगे, 2 का एन में गुणा हुआ 2n, माइनस 2 का एक में गुणा हुआ 2 एकम 2 बराबर लिखेंगे 3 प्लस 7 का एन में गुणा हुआ 7n, माइनस 7 का एक में गुणा हुआ 7 एकम 7। ठीक। अब हमें एन का मान निकालना है, तो सबसे पहले तो चार हल कर लेंगे। 63 माइनस 2 कितने बचे? 61 प्लस 2n बराबर, ये 3 और ये माइनस 7, तो 7n पहले लिख देते हैं, -4। 3 में से 7 गए, माइनस का 7 इसलिए बड़ी संख्या, इसलिए क्या आया? माइनस का आया। 7 में से 3 गए कितने बचे? -4। ठीक है ना। अब देखो n वाले पद एक तरफ कर लो और चार राशि एक तरफ, अचर राशि एक तरफ, 4 को इधर ले आओ और 2n को उधर पहुंचा दो, 4 इधर आएगा बराबर किधर, तो प्लस हो जाएगा 61 प्लस 4 बराबर, ये कितना है? 7n, और 2n उधर गया किसका हुआ है? माइनस का। 2n किसका हुआ है? माइनस का। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा? 65 बराबर, और इन दोनों को घटा देंगे तो कितना जाएगा? 5n। 61 और 4 65 हो गए, 7n में से 2n गए तो 5n, 5 पहुँच जाएगा बटे में, 5 का जाएगा बटे में, 65 के बटे में क्या लिख देंगे? 5 बराबर n, या n बराबर कितना जाएगा? 5 एकम 5 और 5 3 15, 5 का 65 में भाग देते कितना आएगा? 13। तो इन दोनों समांतर श्रेणियों का कौन सा n वा पद, मतलब 13वा पद बराबर होगा? कौन सा पद बराबर होगा? 13वा पद बराबर होगा। ठीक है, धन्यवाद।